तपस्वियों, मैं तुम तीनों की तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, वर मांगो। लगता है मेरे भक्तगण मेरी तपस्या में बहुत लीन हो रहे हैं, क्योंकि मेरी आवाज नहीं सुन रहे हैं। तपस्वियों, मैं तुम तीनों की तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। उतरो, मांगो, वर मांगो। प्रणाम ब्रह्मदेव। कल्याण हो। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न है तो मुझे अमर कर दीजिए, मेरी मृत्यु कभी ना हो। बेटा, संसार में जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना होता है। हाँ, यदि तुम मृत्यु से बचना ही चाहते हो तो किसी ऐसे के द्वारा मृत्यु मांग लो जिसके द्वारा मरना तुम बिल्कुल असंभव समझते हो। तो ठीक है हे ब्रह्मदेव, यदि आप मेरी तपस्या से सचमुच प्रसन्न है तो आप मुझे यह वरदान दीजिए कि हम काहू के मर ही न मारे वानर मनुज जाति दो बारे देव दनुज की नर नर नागा सब ही जीत थम नीच भय। हे परम पिता ब्रह्मदेव, आप मुझे यही वरदान दीजिए, अन्यथा मैं अपने आराध्य महादेव की स्तुति कर अमृत का वरदान प्राप्त करूंगा। तथास्ति। यह तो गावर का अंत कुंभकर्ण है, अगर यह दुष्ट रोज खाएगा ऐसे तो संसार ही समाप्त हो जाएगा। मैं कहां कहां तक सृष्टि की रचना करता रहूंगा। तेरी योग माया, अब तुम ही कुछ उपाय करके इस मंद बुद्धि की बुद्धि बढ़ा। बेटा कुंभकर्ण, तुम किस उद्देश्य के लिए तपस्या कर रहे हो? प्रणाम कमले। कल्याण। Yeah.
छह माह के लिए जगा रहा हूँ, किंतु माँ सरस्वती की कृपा ऐसी उनके जीवन में हुई कि वो उल्टा कर गए और ये कह रहे कि मैं छह माह के लिए सोया रहूँ और केवल एक दिन के लिए जाऊँ। और इधर ब्रह्मा जी से वरदान पाकर रावण अत्यंत क्रूर और आतताई हो गया। वह